नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वर्षा। वेलकम टू रेनी टाइम्स। तो ओडिशा फूड सीरीज़ का आज सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड में मैंने आप लोगों के साथ खासी मांसा कोसा की रेसिपी शेयर की थी और आज बनाने वाली हूँ चौकुड़ी पिठा विथ चिकन कोसा। तो ये चौकुड़ी पिठा और चिकन कोसा भी भुवनेश्वर फेमस है। आप इसको गर्मा गर्म चिकन कोसा के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। चौकुड़ी पिठा एकदम सॉफ्ट डोसा टाइप का एक चीज़ होता है। ये इडली के बैटर से ही बनता है। इडली का बैटर जैसे होता है ये वैसा ही बैटर होता है। इसमें रेशियो मैंने 2 ग्लास राइस का लिया है और 1 ग्लास मैंने उड़द दाल का लिया है और उसको 6 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था और उसको अभी ग्राइंड करने के बाद नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए और उसको अभी मैं ये प्लेट ढक के रख देती हूँ। इस बैटर को ओवरनाइट रखने के बाद ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से फर्मेंट हो गया है, फूल के तैयार हो गया है। अब इस बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं और चौकुड़ी भी बना सकते हैं। मैं कुछ पोर्शन लेके उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर लूँगी और फिर इसका चौकुड़ी पिठा बनाएंगे। तो जो तवा है मैं इसको ट्रेडिशनली ग्रीस करने वाली हूँ बैंगन के डंठल से। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने बचपन से देखा हुआ है इस तरह सबने ग्रीस किया हुआ। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाइल्यूट कर लिया है इस बैटर को और इसको डोसा का बैटर जैसे स्प्रेड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हल्के ऐड कर लीजिए। और ये बहुत सॉफ्ट बनता है, ये नहीं कि डोसे की तरह क्रिस्पी बनेगा, ये सॉफ्ट ही रहेगा क्योंकि उसका जो रेशियो है इडली का बैटर का रेशियो है ना, इसीलिए देखिए एकदम सॉफ्ट बना है। और अभी जब तक मैं कुछ चौकुड़ी पिठा एक साइड में बना रही हूँ, दूसरे साइड में मैं चिकन का प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ। चिकन को अच्छे से धो के उसको कढ़ाई में डाल दिया है, कोई ऑयल नहीं डाला, सिर्फ नमक और हल्दी डाल के उसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है और अभी इसको ढक के थोड़ी देर पकने देते हैं, एटलीस्ट 15 to 20 minutes। चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। ये देखिए ऑलमोस्ट 60% तक का कुक भी हो चुका है। अब मैं इसको इस कढ़ाई से रिमूव कर दूँगी, फिर इसी कढ़ाई में आगे का प्रोसेस भी करूँगी। इस कढ़ाई से निकालने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और कुछ खड़े मसाले जैसे कि तेज़पत्ता, छोटी इलायची और लौंग, थोड़े से काली मिर्च। उसके बाद मैं इसमें 3 प्याज को काट के, मतलब लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के मैंने डाला हुआ है और इसको ट्रांसल्यूशन होने तक पकाऊंगी, रेडिश नहीं करना। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ऐड करने वाली हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर जब तक इसका रॉ स्मेल ना चला जाए तब तक इसको अच्छे से भुनेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि नीचे लग ना जाए और फिर उसके बाद हम लोग इसमें सूखे मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर डाला है मैंने, 2 से 3 टेबलस्पून जितना। और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स किया है और उसके बाद मैंने चिकन मसाला ऐड किया है। उसको भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। देखिए मसालों का जो कलर है कितने अच्छे से आया है। पानी की ज़रूरत पड़े तो आप डालते रहिए। मैंने थोड़ा सा चिकन स्टॉक डाला है तो जितना ज़रूरत है तब पानी डालिए। और उसके बाद ये मैंने टमाटो प्यूरी डाला हुआ है और उसके ऊपर से थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, क्योंकि बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था। अब इसको अच्छे से पकाने छोड़ देते हैं, ये अच्छे से मिक्स कर देंगे तो मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो मेरे पास कुछ बॉईल पोटैटोस थे, मैंने वो डाला है। आप चाहे तो डालें चाहे तो स्किप कर लें, लेकिन हम उड़ीसा के लोगों का ना बिना आलू के ना चिकन होता है ना मटन। तो अभी मैंने चिकन भी डाल दिया है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से भुनेंगे थोड़ी देर। पहले अच्छे से भून लेते हैं और उसके बाद उसको ढक के
तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से गल ना जाए अच्छे से। दोस्तों इसके लिड को बीच बीच में खोल के चेक कर लीजिएगा और थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा वरना नीचे से जल ना जाए। तो अभी मेरा वाला तो होके तैयार है और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा गरम मसाला डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए पूरी तरह से कुक हो गया है अच्छे से। और आपके पास अगर धनिया पत्ता हो तो बेस्ट है, मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मैंने थोड़े से रिंग अनियन से इसको डेकोरेट कर दिया है। तो अभी मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करने वाली हूँ चौकड़ी पिठा के साथ, एकदम धुआंधार सुपर डिलीशियस माउथ वाटरिंग। इसको एक बार बनाना तो बनता है, घर में बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।